तो हेलो एवरीवन, आज हमारे पास आई है टाटा हैरियर, जिसके अंदर हम लगा रहे हैं अपना सिस्टम अपग्रेडेशन करेंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर हम क्या क्या लगा रहे हैं। रॉकफोर्ट फॉसगेट सीरीज़ के, पावर सीरीज़ के हम इसके अंदर कंपोनेंट लगाएंगे, जो कि 100 वाट RMS 4 ओम पे। और उसके साथ हम पेयर कर रहे हैं अपना स्टेज एम्पलीफायर A9004, जो कि 90 वाट RMS। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पेयर कर चुके हैं। और साथ में हम लगाएंगे रॉकफोर्ट फॉसगेट का मोनो एम्पलीफायर, इसके साथ में हम लगाएंगे अपना JBL का इनक्लोजर पेयर करेंगे। और एक और चीज़ इसके अंदर हम लगाएंगे अपना रॉकफोर्ट फॉसगेट का DSR1 प्रोसेसर, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। और साथ में लगेगी हमारी 100% OFC अपना वायरिंग, स्कॉशे की जो हम यूज़ करते हैं रेगुलर, और ब्लॉपंक की OFC वायरिंग, ब्लॉपंक की डैम्पिंग शीट, ब्लॉपंक गोल्ड के नाम से जो आती है 3.0, और वेफल रिंग वगैरह, एक्सटर्नल वायरिंग वगैरह। और साथ में हम लगाएंगे ऑटो क्रैंक ब्रांड की 180 वाट्स की LED लैंप्स, जो कि लगेगी, कंपनी ने लो बीम में तो दी है, हाई बीम में और फॉग लैम्प में लगाएंगे हम। हाई बीम में लगेगी हमारी H7 और फॉग लैम्प में लगेगी H8। तो करते हैं हम अपना काम स्टार्ट, आउट हो गई। और एक और चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, ये सारा वर्क जितना भी होगा सारा कपलर टू कपलर होगा जितना भी हम काम करेंगे। और अब मैं, जैसे कि मैंने कहा था आपको, रॉकफोर्ट फॉसगेट का प्रोसेसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा रॉकफोर्ट फॉसगेट का प्रोसेसर DSR1, और ये होगी इसकी वायरिंग इनपुट्स के लिए जो होती है वायरिंग। और मैं अब आपको दिखा देता हूँ पर चैनल के हिसाब से इसके अंदर हम सेटिंग कर सकते हैं, फ्रंट, राइट, लेफ्ट और सब ऊपर। तो ये सारी इसकी वायरिंग वगैरह होगी। तो अब करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन। तो हैरियर हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने इंस्टॉल कराया है अपना रॉकफोर्ड मोनो एम्प। ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। और ये हमारा JBL का एम्पलीफायर, और यहाँ हमारा DSR1 रॉकफोर्ड का प्रोसेसर, और स्टीरियो हमारा सारा प्रॉपर तरीके से फिटमेंट हो चुका है। और जो पावर के हमारे कंपोनेंट हैं उनके जो ट्विटर्स हमने इंस्टॉल करे हैं वो हमने इसकी OEM जगह पे कर दी, जहाँ हरमन के आ रखे थे इसी जगह पे इंस्टॉल कर दिए। ऐसी रियर डोर पे हमने, ऐसी रियर डोर पे जहाँ हरमन की OEM जगह थी, गाड़ी की OEM जगह थी, वहीं पे हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। अब बात कर लेते हैं हमारी लाइटों की। पिछली टेल लैम्प इस गाड़ी की तो लाजवाब है, मतलब आफ्टर मार्केट टेल लैम्प्स लगाने की इसमें जरूरत तो होती ही नहीं है। इस गाड़ी पे बहुत बढ़िया लगती है, सिंपल एंड सोवर सी। और इसके अंदर हमने एक और चीज़ एड ऑन करी है अपनी हेडलैम्प्स के अंदर, 180 वाट्स की LED। उसका थ्रो मैं आपको एक बार और चेक करा देता हूँ। तो यहाँ हमारी लो बीम जल रही है गाड़ी की, OEM जो लैंप्स में लगी जाती है LED। और फिलहाल ये फॉग लैम्प जली थी हमारी, और फॉग लैम्प ऑन करके दिखा देता हूँ मैं अब आपको। पहले ये हमारी फॉग लैम्प की रोशनी है, जो कि लो बीम से भी तेज है, और अब हमारी हाई बीम तो सुपर ब्राइट है, बहुत अच्छी रोशनी के साथ। तो अब पूछ लेते हैं गाड़ी के ओनर से, भाई आपको हमारा काम, जो भी हमने इसके अंदर सिस्टम कराया है, उसकी ऑडियो क्वालिटी। सर यार, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिस हिसाब से आपने मेहनत की है इस गाड़ी के अंदर, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। जो इसके वोकल्स आ रहे हैं, जो इसकी सराउंडिंग है, और जो इसकी फिटिंग है, बिल्कुल कपलर टू कपलर जैसे आपने की है। जी जी, जी। टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, तब भी आपने सारा मतलब काफी अच्छे से काम किया, काफी अच्छे से अटेंड किया, तो मैं आपको रेटिंग काफी हाई देना चाहूंगा इस चीज के लिए। थैंक यू। और लाइट
लाइट कैसी लगी आपको? नो डाउट बहुत अच्छी है, इसकी रोशनी काफी तेज है, मतलब लगता है आपको रात को कहीं विजन जाने में, कहीं ऑफ रोडिंग में भी कहीं जाते हो, हिल स्टेशन जाते हो, कहीं भी आपको कोई इशू नहीं। सामने वाले की आंखें बंद हो सकती है बट ये नो डाउट आपकी आंखें बिल्कुल खुली रहेंगी। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है, थैंक यू। तो ओवरऑल सब कुछ ओके? हाँ जी, फुली सेटिस्फाइड, डन ऑल। चलो थैंक यू भैया, थैंक यू।